जय हिंद साथियों, जितने सारे हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि अब आप सभी को मालूम हो गया होगा कि कल बिहार दरोगा 1275 पदों का फाइनली मेरिट लिस्ट आया। अब सवाल एक ही आ रहा है कि जो नई भर्ती आ रही है लगभग 2000 पदों पर बिहार दरोगा की, चलिए जो सफल हुए वो आज बहुत खुश होंगे, कल से लेकर आने वाला दिन आने वाला समय इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत त्याग किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा, और किन्हीं का बैड लक रहा जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स इशू के लेके और कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ को लेके जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके प्रति भी हमारी टीम की ओर से संवेदना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन बेहतर होगा और जल्द ही वो भी अपनी जो ड्रीम है, अपना जो एक सपना होता है हर आदमी का, वो जल्द पूरा करेंगे, मेहनत जारी रखेंगे। अभी देखिए हमारे बीच बैठी है अजय सर है, किरण सिंह है, कौन से जिला से हो? गोपालगंज से है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। प्रश्न ये रहेगा, कैसा फील हो रहा है? रिजल्ट मेरी जब आया होगा, जब आप अपना रोल नंबर डाले होंगे, जब आप देखे होंगे कि इस पीडीएफ में मेरा है रोल नंबर, तो क्या लगा पहली बार? सबसे पहले तो बिलीव नहीं हुआ। बिलीव नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है, नंबर आ गया है। लेकिन बस अभी बस खुशी इस बात की है कि मम्मी पापा भाई बहन जितने गुरु लोग हैं सब बहुत खुश हैं, मेरे सारे दोस्त लोग खुश हैं, इसलिए खुशी उन लोगों को देख के खुशी मिल रही है। उन लोगों को देख के खुशी मिल रही है। बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा मेरिट बन गया, हम दरोगा बन गए हैं। अब चलिए बहुत बहुत बधाई हो सभी, जो भी आपके चाहने वाले हैं सभी को इस टीम की ओर से। सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसको देंगे, जो आपको बार बार मोटिवेट को? अभी लाइफ में ऐसा टाइम आया जब आप टूट रहे थे, लगा कि मेरे से नहीं हो सकता है कभी कुछ, या कोई और पद की जो आप तैयारी कर रहे थे वहाँ पे निराशा हाथ लगी? मेरी मम्मी सबसे ज्यादा श्रेय उन्हीं को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत स्ट्रगल की है और हम तीन बहन शुरू में ही हो गए, तो एक प्रेशर मम्मी पापा दोनों पे था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊपर से फिर बड़ी हो सबसे क्या हम सबसे बड़े तो तुम पे तो ज्यादा प्रेशर हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रेशर था, हर चीज का प्रेशर था, नौकरी का प्रेशर था, फिर सबको देखने का भी प्रेशर था, फिर शादी वादी का भी प्रेशर था, सब प्रेशर को मम्मी का स्ट्रगल देख के उसके बाद एक हिम्मत आती थी नहीं करना कि अब करना है, मम्मी के लिए ही करना है, सब कुछ करना है। अभी सबसे ज्यादा अगर खुश हैं तो सबसे पहले मम्मी खुश हैं। मम्मी सबसे, और अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया उस वक्त हम लास्ट एक घंटे से मम्मी से बात कर रहे थे, उसी वक्त रिजल्ट आया जब मम्मी से बात हो रही थी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। अब तैयारी आपने कैसे की, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जब दरोगा वैकेंसी, ये पहला अटेम्प्ट था या सेकेंड? ये सेकेंड अटेम्प्ट था। 2213 जब आया था तो उस वक्त हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे और मेरा जीके जीएस बहुत वीक था, मेरा मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग था, तो फिर उस वक्त हमको दिक्कत हुई, प्री हो गया था, क्योंकि प्री बस मैथ रीजनिंग और करेंट अफेयर्स के बल पे हुआ था, जीके जीएस उतना नहीं आता था, बस पॉलिटिक हल्का फुल्का आता था। लेकिन फिर हम मेंस के लिए 2 महीने टाइम था तो हम बहुत ढूंढे सर को कि कौन से सर बेटर रहेंगे, बट इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज का इशू था। फिर हमको पता चला एनएस राजपूत सर के बारे में, वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बस उन्हीं का क्लास की उनके बिल्कुल वो उनके नोट्स को पढ़े, बार बार उनके नोट्स को इतनी बार पढ़े हैं कि सारा याद हो गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा टॉपिक है, और वो सारा कुछ उन्हीं से पढ़े, साइंस भी जीके जीएस भी सब उन्हीं से पढ़े, और मिसलेनियस बस लूसेंट से पढ़े और मंथली पीडीएफ करंट अफेयर्स का बस पढ़े। जो लड़के लड़कियां आगामी अब तो जो मेरिट में छठे, अच्छा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कुछ लाइनों को बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसी फ्रेंड होगी जो टीम से आप फिजिकल के साथ जुड़ी होगी या रिटेन में आपके साथ होगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से आप जानते होंगे, और आज आपको पता चलता होगा कि उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अपनी तो खुशी रहती है लेकिन किसी साथी का नहीं होता है तो कहीं ना कहीं काफी दुख भी होता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस कहना चाहेंगे कि जल्दी ही वैकेंसी आ रही है, आप हिम्मत नहीं हारिए और थोड़ा सा बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, बस मेरिट के लिए 5-10 नंबर ज्यादा नंबर लाना। बिगिनर्स माने जो पहली बार आप लोगों को देखे, जैसे आप एक लड़की है, लड़की को देख के इंस्पायर होती है, बोलते यार ये बन सकते दरोगा तो हम क्यों नहीं, तो उन लड़कियों के लिए साथ ही साथ बाकी और भी जो भी भाई देख रहे होंगे, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो कर लिए हैं, पहली बार दरोगा का फॉर्म डालेंगे, उनके लिए वो शुरुआत कैसे करें, कहाँ से पढ़ें?
सबसे पहले तो किसी एक टीचर जो आपको, जिसका पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, आप पहले उनसे ज्वाइन होके फिर बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम सेल्फ स्टडी वाले हैं, हम किसी कोचिंग संस्था से नहीं जुड़े हैं, हम अपने से तैयार करें, तो वो लोग कुछ बुक का नाम बताते हैं, जिसे ठीक है कि वो आपका का नाम कि कहीं ना कहीं जो टीचर आपको अच्छे लगे वहाँ पे आप जुड़िए और वहाँ से तैयारी की शुरुआत करिए। लेकिन मान लीजिए कि वो उन सुविधाओं में वो नहीं रहते, वो किसी गांव शहर में बिलोंग करते हैं, तो क्या करें? YouTube वीडियो के माध्यम से देखें या ऑनलाइन परचेज करें? नहीं, ऑनलाइन आप देख लीजिए पहले। पहले YouTube पे देख लीजिए कि वो टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, दो तीन क्लास करके फिर उनका ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, क्योंकि एक बार तो पढ़ना पड़ेगा टीचर से। पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, एक बार टीचर से पढ़ना, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी अपना करते रहिए। सैम्पल पेपर है प्रीवियस ईयर, उसको बनाते रहिए, और मार्केट में जितने भी क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं उनको आप खरीद के और बार 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 दो तीन बार चार बार रिवाइज करते रहिए। कुछ बुकों का नाम बताओगे? हम तो सर के नोट्स से ही पढ़े थे, बट बुक में अगर आपको देखना है तो आप किरण का बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर, या फिर क्वेश्चन नाम तुम्हारा किरण है तो कहीं किरण का नाम नहीं? नहीं, किरण का बुक बहुत अच्छा होता है। हाँ। वो उसका किरण का SCGL के लिए कुछ बोलते हैं, NCERT, पूरा NCERT पढ़ो। नहीं, मेरे टीचर जो थे वो NCERT बेस्ड ही पढ़ाए, तो वो टीचर हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे कि आप प्लीज़ NS राजपूत सर से जुड़े और उनसे पढ़े। वो ऑनलाइन भी स्टार्ट करने वाले हैं, आप प्लीज़ उनसे पढ़े, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और वो उनको दरोगा गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि वो उनके पास से सारे बच्चे ही दरोगा बन गए हैं, हर जून में उनके पास से बच्चे हैं। और प्रीवियस ईयर आप बनाते हैं? प्रीवियस ईयर बनाते रहे, प्रीवियस ईयर बनाए और देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, और उस टॉपिक को अभी रिसेंट से कनेक्ट करके आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। तो साथियों, देख रहे थे अभी अपनी सफलता की गाथा बता रही थी हमारी टीम की एक सैनिक किरण सिंह। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा, बेशक कुछ शब्दों में अपने शब्दों को रख पा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके जीवन में संघर्ष नहीं आया होगा। बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत तपने के बाद आज चमक रहे हैं, सूरज की तरफ फैला रहे अपनी बातों को। और जिस प्रकार सूरज अपनी रोशनी को प्रकाशित करता है, पूरी दुनिया जगमगा जाती है, उसी प्रकार आज इनकी बातों से बहुत लोग आज इंस्पायर होंगे, सीखेंगे, और वो लोग भी अपने सपने को जल्दी साकार करेंगे। चलिए, पूरी टीम गुरुजी की ओर से आप सभी को ढेरों सारी शुभकामना, बधाई है। जय हिंद, वंदे मातरम।